बारे चिंता मत कीजिए, यहाँ से जल्दी जाइए और उस चौथे सेनापति को ढूंढिए, क्योंकि अगर वो चौथा सेनापति नहीं मिला और चारों सेनापतियों को एक साथ समाप्त नहीं किया तो महाविनाशनी बुराई की पूरी सेना को आजाद करा देगी। हाँ, पर अगर ऐसा हुआ बालवीर तो हम इनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। नहीं मानो, हमें हार नहीं मानी है। अच्छाई और बुराई के युद्ध में अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। बहुत हो गई तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई की बातें। कैसे जीतेंगे हम इनसे? अरे हम इन्हें मार तो सकते नहीं है, पर हाँ ये हमारी चटनी जरूर बनाएंगे। अरे थक गया हूँ इनकी पिटाई कर करके, लड़ लड़ के थक गया हूँ मैं। मोंटू ऐसा मत कहो, देखो चिंता मत करो, अंत में हम ही जीतेंगे, जीत हमारी ही होगी। तो जीत लो मेरे बिना। हाँ देखो, हम इन तीनों को एक साथ मार तो सकते नहीं है, तो क्या फायदा इनसे लड़के? बेकार में टाइम वेस्ट किया मैंने तुम्हारे साथ। अरे बालवीर, तुम्हारी अच्छाई की सेना तो टूट रही है, सब मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। देखा बालवीर, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये मोंटू ऐसा ही है, तुम्हें अपने सेना में इसे लेना ही नहीं चाहिए था, ये है ही डरपोक। डरपोक? डरपोक नहीं हूँ, समझदार हूँ। देखो अंकल, मतलब आंटी, मैं नन्ना मुन्ना सा छोटा सा बच्चा, बालवीर ने मुझे उसकी बातों में फंसा दिया। आपको पता है मैं जब भी अच्छाई का साथ देता हूँ ना, हमेशा मेरी बहन बचती है। तलवार वाले अंकल, मैं ना स्कूल में सबसे शैतान बच्चा था, पिग्गियों की पिटाई करता था, पर आप चाहिए तो मेरे सर से पूछ सकते हो। हाँ देखिए, मुझे इस बालवीर ने फंसा दिया। और नुकीले बॉल वाले अंकल, क्या है पता, मैंने फिल्मों में देखा था कि हीरो विलन की पिटाई करता है, और जब मैं विलन था तब भी बालवीर से पिटता था, और जब मैं हीरो तब आप लोगों से पिट रहा हूँ। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो प्लीज। अब हाथ भी नहीं जुड़ रहे, थक गया हूँ मैं आपकी पिटाई कर करके, बॉडी में बहुत पेन है, पीठ भी बहुत दर्द कर रही है, और वैसे भी आपका चौथा साथी तो है नहीं, अब वैसे भी नहीं मरोगे तो फिर मैं फुकट में मार क्यों, है ना? प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। सॉरी रानी बनी, मैं आपके जिम्मे नहीं रह सकता। मासी जी आपकी रोटियां तैयार है, जब चाहे तब खा लेना। हो गया। रॉकी, अंदर तो मोती नहीं है, तो अब कहां होंगे? कहां होंगे? मिल गया। कहां? कहां? आइडिया मिल गया, आइडिया मिल गया। आइडिया? हाँ बोल बोल। देखो बहुत सिंपल है, बाबूजी को सबसे पहले क्या अच्छा लगता है? क्या? सोना। हाँ? दूसरा? हाँ? खाना। हाँ? इसका मतलब किचन में मोती। रॉकी क्या बात है यार, मेरे साथ रह रहे के तू भी इंटेलिजेंट हो गया है। फॉलो मी। आवाज नहीं, आवाज नहीं, हम लोग चोर हैं, मोती ढूंढने आए हैं। आप भूल गए, आवाज नहीं, हम चोर हैं, हम मोती ढूंढने आए हैं। फूक तो मार सकता हूँ ना। मोटा भाई, मैं मोती ढूंढते ढूंढते बहुत थक गया हूँ, मुझे भूख लगी है। अच्छा भूख लगी है? एक काम करते रॉकी, तू अपनी आंखें बंद कर ले और मुंह खुला रख, मैं पकौड़ा अंदर डालता हूँ और तू स्वाद लेके बोल कि ये किस चीज से बना हुआ पकौड़ा है। अरे वाह, आंखें बंद मुंह खुला। आवाज नहीं, हम लोग चोर हैं, मोती ढूंढने आए हैं। मोटा भाई, हमने सारी ड्रॉर में चेक कर लिया, लेकिन मोती नहीं है। कैबिनेट में होगा।
ये ढूंढ, मैं वो ढूंढता हूँ। ये क्या कर रहा है? अच्छा अच्छा। भूल गए, आवाज नहीं, चोर है, हम मोती ढूंढेंगे। आवाज नहीं, तुम दोनों चोर हो और मोती ढूंढने आए हो। महाविनाश, हम उस जगह आ गए हैं जहां रानी परी ने बुराई की सेना को छुपा के रखा है। हमें ये पता करेंगे नहीं ये काम की बात, कभी करेंगे हमेशा इधर उधर की बातें। अरे है जो जरूरी करो वो बात, करना क्यों बेकार में समय, चपड़ 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 हमेशा। बस करो, अब और कोई नहीं बोलेगा। शातिर परे, मेरे सामने बुराई की सबसे बड़ी जीत और अच्छाई का विनाश है। डरने का नहीं रॉकी, डरने का नहीं, हिम्मत से काम लेने का। रुक, मैं इधर देखता हूँ, तू उधर देख। हाँ हाँ हाँ, ये क्या कर रहा है? अच्छा तक उधर मुझे वहाँ पे आपके जैसा कोई है? हाँ, वहाँ पे तेरे जैसा ही कोई है। मतलब हम दोनों एक दूसरे से डर रहे थे। मुझे भाई, मैं वहाँ पे गया था, मुझे कुछ दिखा। क्या? मोती। कहाँ? कहाँ? वो। तुम्हारा एक साथी तो मैदान छोड़कर भाग गया, तुम सबके पास भी मौका है। हमारे साथ आ जाओ और बचा लो अपने आप को। कभी नहीं, हम अच्छे और सच्चे बच्चे हैं और इसलिए हम हमेशा अच्छाई और सच्चाई का ही साथ देंगे। बहुत अच्छी माना, बहुत अच्छी। और हम में जब तक जरा सी भी हिम्मत है हम तब तक लड़ेंगे, समझे? तो लड़ो, पर हमसे कभी जीत नहीं पाओगे। और तय कर लो कि हमसे लड़ना है या फिर उन बच्चों को बचाना है जो कुछ ही समय में अपनी मौत की तरफ जाने वाले हैं।
उस बालवीर ने और परियों ने मुझे उनके जाल में फंसा दिया। कह दिया कि जाके लड़ो महान सेनापति और उन ताकतवर सेनापतियों से, और मैं भी गधे माफी यहाँ चला आया। अरे उनसे कोई जीत सकता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं उनसे जीत सकता, इतने ताकतवर है। अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, और जब वो हारेंगे ना तब उन्हें पता चलेगा कि मोंटू सही था। यहाँ तो इतने सारे बुराई के सेनापति है, मैं भी उनमें से एक बन जाऊंगा और फिर बालवीर की बैंड बजा दूंगा। उसकी तो हमेशा मुझे पनिश करता है, और ये सच्चे और अच्छे बच्चे हमेशा उनके वजह से मुझे ही पनिशमेंट मिलते हैं। छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं आपसे लड़ाई करने नहीं है, मैं तो आपसे दोस्ती करने आया। सच्ची? जानता हूं मैं, सब सुना मैंने। बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा किया ना? थैंक यू वेरी मच। देखा आपको ही मेरी कदर है, वरना वो पिद्दी मैं उनकी टीम में होकर भी मुझे अपना दोस्त नहीं मानते। चिंता मत करो, अगर तुम बुराई का साथ दोगे तो हमारे दोस्त बन जाओगे, और अगर अच्छाई को मिटाने में हमारा साथ दोगे तो और भी शक्तिशाली हो जाओगे। हाँ उसके लिए तो मैं आया हूँ, आपसे आप और मैं दोस्त। बालवीर, बचाओ बालवीर, बालवीर, बालवीर। सबको मौका दिया था यहाँ से जाने का, पर सब पर अच्छाई और सच्चाई का भूत सवार था, तो अब मरो। और अब ना अच्छाई बचेगी और ना ये खुद। चुका, अब हम और सांसें नहीं लेने देंगे तुम्हें। परियो, महाविनाशनी की बुराई के सेना को जीवित करने से पहले अगर चौथा सेनापति यहां नहीं आया और एक साथ इनका अंत नहीं हो पाया तो बच्चे और बालवीर ज्यादा देर तक इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। पर ये कैसे संभव होगा रानी परी? हाँ, जब तक महाविनाशनी यहाँ नहीं आएगी तब तक
तक वो चौथा सेनापति बालवीर के सामने नहीं आएगा। आखिर ये बच्चे करे तो क्या करे।